की इस वक्त हम बात करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि ईरान की वजह से शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ पा रही है और ईरान इस जंग के दौरान आग में घी डालने का काम कर रहा है और इसी वजह से अब जंग और भयानक रूप लेती नजर आ रही है। पुतिन के बाद ज़ेलेंस्की का नया दुश्मन शांति के रास्ते में बारूद की दीवार। युद्ध के मैदान में ईरान की नई चाल। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को जब से ईरान का साथ मिला है तब से पुतिन की सेना का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर है। पुतिन की सेना चुन चुन कर यूक्रेन के ठिकानों को ड्रोन के जरिए टारगेट कर रही है। ईरान के ये आत्मघाती ड्रोन किस इलाके पर गिरेंगे, कब गिरेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब जब अचानक ये ड्रोन आसमान से अपने टारगेट पर गिरते हैं, अपने पीछे तबाही और बर्बादी का भयावह मंजर छोड़ जाते हैं। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने शांति वार्ता के बीच ईरान के हथियारों को सबसे बड़ी बाधा बताया। यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन से बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने ईरान पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर ईरान की तरफ से रूस को हथियार न दिए गए होते तो बातचीत के दरवाजे खुल सकते थे, लेकिन ईरान की वजह से यूक्रेन में जो तबाही मची है वो युद्ध की हकीकत को दुनिया के सामने बेनकाब कर रही है। ज़ेलेंस्की ने ईरान पर यह आरोप ऐसे वक्त में लगाए हैं जब ईरान भी ये कबूल कर चुका है कि युद्ध से पहले उसने रूस को ड्रोन की सप्लाई की थी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियन के मुताबिक हमने यूक्रेन में युद्ध से कुछ महीने पहले रूस को सीमित संख्या में ड्रोन की आपूर्ति की थी। उधर यूक्रेन का दावा है रूस अभी तक यूक्रेन में ईरान से मिले करीब 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर चुका है, जबकि मॉस्को से ईरान को करीब 2000 ड्रोन का ऑर्डर दिया गया है। इतना ही नहीं, पश्चिमी देश भी ईरान और रूस पर यह आरोप लगा चुके हैं कि यूक्रेन पर एक खास तरह की सांठगांठ के तहत हमला किया जा रहा है, जबकि दोनों ही देश अब तक अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे थे। लेकिन अब यूक्रेन ने सीधे सीधे ये मैसेज देने की कोशिश की है कि यूक्रेन के खिलाफ इस उकसावे वाली जंग में ईरान भी बड़ा हिस्सेदार है और यही वजह है कि जंग का ये दायरा अब और विस्तार लेता जा रहा है।